हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आर ओ आर ओ के टेस्ट में आज हम 44 नंबर का टेस्ट करेंगे, जो कि हिंदी का टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू पूरा रिवीजन, पूरा नोट्स, पूरा सोल्यूशन सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो ये सब चीज़ें आप कर रहे होंगे, तो एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए आप रिविजन करिए और टेस्ट को देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट नंबर 7। टेस्ट नंबर 7 नहीं, 43 या 4 है, 44 है शायद। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम, लिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इतना पढ़ा दिया गया, इतना तो कर लोगे आप। सांचा का सच्चक, अखरोट का छोट, चूल्हा का चुल्ली और मूछ का मूछ नहीं होता है, मूछ का होता है मशरू। मशरू एक तस्म शब्द है नारियल की वाड़ वृक्ष साखनी, तो वह है वृक्ष। तो वृक्ष एक तस्म शब्द है, इसका तत्भव होता है भेड़िया। और कौन सा युग्म तत्सम शब्द नहीं है। भ्रमर मधु कंट कंकति कटहरा श्रृंगार जंबू। तो कंकति कटहरा ये जो है तत्सम नहीं है। तो इसमें युग्म तत्सम की दृश्य अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला शब्द तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव है। कटहरा तत्सम है, काष्ठ ग्रह का होता है। निम्न से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। आलस्य गोपाल चेटिका पीढ़ी। पीढ़ी जो है तद्भव है। और निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है। तो हींग का होता है हिंगू। हिंगू होता है, हिंगू तत्सम है और इसका हींग का तद्भव है हींग। और संदर्शिका किसका तत्सम है, तो संदर्शिका संदर्शिका है। और अखरोट शब्द का तत्सम होगा तो अखरोट का हो जाएगा छोट। और पनही का शब्द होगा उपान, ये तद्भव तत्सम रूप है, शब्द का तत्सम रूप है उपान। और तद्भव शब्द है मानव मनई मनुष्य मानो, तो ये हो जाएगा मनई। और उच्छास शब्द का तद्भव रूप है होगा, तो उच्छास का होगा उषास। ठीक है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी तो ये हो जाएगी सी ज्योत्सना। और ये मिलान करना है, व्यापत्ति का व्याप्त हो जाएगा, अंताक्षरी का अंत्याक्षरी हो जाएगा, उग्रीव का उद्रीव हो जाएगा, वर्तन का वर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन सा गलत है। तो भात्रागण भात्रिगण, लघुतलता तो जो है ये हो जाएगी विद्युलता, और ये नवाब का नवाब हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सही नहीं है। तो नवाब की वर्तनी हो जाए, नवाब की शुद्ध वर्तनी, उसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसका सही वर्तनी हो जाएगा नवाब। ठीक है, और है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वह हो जाएगा निश्चेष्ट, ये शुद्ध है। समुज्ज्वल को इस तरह से लिखेंगे, अनुवादित को अनुदित, और एसड़ा को एसड़ा, और निश्चेष्ट को निश्चेष्ट देख सकते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है वह है कैलाश यथेष्ट महात्म, तो श्रृंखल ये सही है, कैलाश को छोटा सा रहेगा और यथेष्ट में रहेगा ट, और ये है महात्म का महात्म्य, त म दोनों रहता है आधा, और उस श्रृंखल का हो जाएगा उत्कृंखल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए, हल्का सा हवा झोंका आया, तो यहाँ शुद्ध है डी। एक गाय जो घोड़े और बकरी मैदान में चर रही है, तो अशुद्ध सकुशलता, इसमें सकुशल पूर्वक, तो इसमें सकुशल यहाँ आए ये होगा, ना कि ये होगा। और दूसरे में हल्का सा हवा आया, तो इसमें हल्का सा हवा का हल्का सा ये हो जाएगा, गोले का गोलो हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, तो ये है डी वाला, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान होगा। ठीक है, ये गलत है। और है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह है डी वाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये शुद्ध है। बाकी जो अशुद्धियां हैं आप देख सकते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें अविष्कार देवर्षि, तो ये शुद्ध है अविष्कार। देवर्षि जो होता है कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, निःशब्द निःशब्द होता है, जमाता होता है जा माता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो वह है आंख, इसमें चंद्रबिंदी होगा। उद्धत शब्द का विलोम है, तो उद्धत शब्द का विलोम हो जाएगा उद्धृत अनुद्धृत और विनम्र दोनों, तो ये हो जाएगा बी सी दोनों। असीम का विलोम होगा, तो असीम का हो जाएगा ससीम। और कौन सा विलोम युग्म गलत है, तो इति का अर्थ होगा सामीपी का पार्थक्य, सौम्य का उग्र होगा, और सभी सुमेलित हैं, तो सभी के सभी सुमेलित
सही सुमेरित है, ठीक है। और अगामी का विलोम होगा, अगामी का विगत हो जाएगा। क्रिपल, क्रिपर का विलोम हो जाएगा दाता, और कृष का विलोम हो जाएगा पुष्ट, और इसमें हो जाएगा साहचर्य का हो जाएगा अलगाव, और निद्रा का विलोम होगा अनिद्रा, और शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र, और चेतन का अचेतन हो जाएगा, और सुभा मई वत्सल मई, तो प्रेम मई वाक्य में विशेष्य है, तो इसमें परिग्रह से कोई विशेष्य नहीं है। रमेश की पुस्तक पुरानी इस वाक्य में पुस्तक है, तो ये पुस्तक जैसे ही मैंने करवा रखा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, फिर भी चलिए। तो निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो सच्चा, चौथा, गुण, आठ। तो सच्चा एक गुण बता रहा है, तो सच्चा गुणवाचक है। गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा ताजा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के रूप में को दर्शाता है, तो हो जाएगा समुदायवाचक। और एक वाक्य जिस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वह है, वह सन्यासी है, वह लड़की गायक की गायिका है, तो वह इसमें हो जाएगा, इसमें कोई विशेषण का यूज नहीं हुआ है, तो इसमें सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ना कि सर्वनामिक विशेषण के रूप में, अतः इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? तो इसमें अभिषिक्त, ये विशेषण है। अभिषेक का अभिषिक्त होता है, अतृप्त का अतृप्त होता है, आकर्षण का आकृष्ट होता है, आयु का आयुष्मान होता है। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की गलत दृष्टि से गलत है, तो गाहिर्स्थ को गृहस्थ, ये गलत है, तो इसे गृहस्थ हो जाएगा, और एक विशेष है, और इसका हो जाएगा गार्हस्थ, ठीक है। उदीची का उदीच्य, प्रौढ़ता का प्रौढ़, ये सब सही है। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है वह है स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो वह थोड़ा सा ही गुणवाचक विशेषण है, सुडोल, क्षेत्रीय, प्राचीन, ये सब विशेषण है। अनायत किसी लाभांश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वह है अनायत जो वश में ना हुआ हो, अनायत जो वाक्यांश जो वश में ना हुआ हो। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं जिजीविषा। और निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिसका निवारण ना किया हो अनिवार्य, जिसके प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे प्रतिष्ठित, तो वह हो जाएगा जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। अगला है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं विधेयक। और हरावत किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो वो हरावत सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो सिसृच्छा होता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए सदावर्त होता है। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, तो उसके लिए बाएं हाथ से कार्य करने वाला। और है दिए गए शब्दों में से कौन सा अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो वह है जारज, ठीक है। पुरंधरी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो वह जिस स्त्री को के पुत्र पति हो। और नीचे दिए गए वाक्य में विकल्प में से एक शब्द पर्यायवाची ने उसे छाटी है, तो भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। तो भूपेंद्र जो है ये इंद्र का नहीं है बल्कि राजा का है, बाकी सब इंद्र के पर्यायवाची, सुरपति, शुक्र, पर्वतारी, ये सब है। और है आद्रि का पर्यायवाची है पर्वत, तो आद्रि का पर्यायवाची तुंग, धरणी, धर, पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर और महीधर, सहल, नागपति, शिखर, भवभृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द में कौन सा है? तो वह ताम्रचूड़ मुर्गा, तमचूर, अरुण, शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुर, चढ़ायुद इत्यादि मुर्गा के पर्यायवाची है। और अगला है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रतप, कौमदी, ज्योत्सना, मयंक। मयंक नहीं है, मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रतर्प, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला इत्यादि चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृत कारडिका, तरंगड़ी आदि चांदी के पर्यायवाची। चंद्रमा के चांद, हिमांशु, सब बताया गया है, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सब सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा सरस्वती का नहीं है, बीड़ा पहाड़ी, महाश्वेता, भारती, सब है। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची। धन का पर्यायवाची होता है अर्थ, वित्त, संपत्ति, द्रव्य संपदा, दौलत, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री। और ये कमला, पद्मा, रदना, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, पद्मासना, पद्यानना, मुलोक, माता, चरोदा, चिरोदनया, ये सब लक्ष्मी के हैं। विष्णु के, नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुध्वज, हरि, चक्रपाणि, दामोदर, रमेश, मुरारी, जनार्दन, विश्वंभर, ये सब हैं। और सरस्वती के हैं भासा, वाणी, बागेश्वरी, इला, विधात्री, भारती, शारदा, विराधारणी, वाघ, गिरा, पिड़पाड़ी, वाग्देवी, बीड़ा, वादिनी, ब्राह्मी, वाचा, गिरी, वागिस, महाश्वेता, ईश्वरी, संदेश्वरी, ये निकली शब्द में से अरड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो है सुरभो। सुरभो अरड़ पर्यायवाची नहीं है बल्कि अमृत का पर्यायवाची। कांतार, विपिन, कानन अरड़ के पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का नहीं है तरंग। घोटक घोड़ा है, तरंग जो है वो अश्व का नहीं, लहर का पर्यायवाची है। मार का पर्यायवाची शब्द जादू, स्वर, अधम, अनंग, तो वो हो जाएगा अनंग।
मार का अनंग का पर्यायवाची, मार के अन्य पर्यायवाची काम, कंदर्व, मदन, मन्मथ, मनोज, मनसीज, केतन और मरकर ध्वज और पंचसर और रतिपति और स्मर इत्यादि है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है वाहन, उपल, पसाड़, उरड़, तो उरग नहीं है। उरग जो है सांप का पर्यायवाची है। अपाहन, उपल, पसाड़, पस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो अहि का सिंदूर नहीं है। उरग, सरसरी, पवनास ये सब है। ठीक है, तो ये खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट को सब मिलते हैं। जय जय भारत।